चलिए मैं आपको बहुपद का 2.1 प्रश्नावली पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक आकृति होती है, आकृति यानी कि चतुर्थांश वाली, ठीक है, जो हमारी पड़ी लाइन होगी वो हमारी एक्स एक्स की होगी, और जो हमारी खड़ी यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन होगी वो हमारी वाई एक्स की होगी। तो इनके अतिरिक्त कोई तीसरी रेखा होगी, है ना, तो मैं बताने हैं पी एक्स से शून्यांक। कोई भी रेखा, दो रेखाओं से अन्य कोई तीसरी रेखा एक्स वाली लाइन को या वाई वाली लाइन को जितनी बार काटती है उतनी बार उसके शून्यांक होते हैं। जैसे पी एक्स बराबर एक्स वाली लाइन पे हमारी कोई तीसरी रेखा नहीं काट रही है तो कह रहा है कि पी एक्स से शून्यांक क्या होंगे, तो पी एक्स से शून्यांक क्या हो गए, हमारे शून्य हो गए। क्यों? क्योंकि इस लाइन को कोई भी रेखा नहीं काट रही है, इसलिए इसके शून्यांक क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा सवाल बता देता हूं। तो इसे पूछा है कि पी एक्स के शून्यांक कितने होंगे, भाई एक्स वाली लाइन तो हमारी यह है। अब देखिए यहां पर एक बार एक बिंदु कट गया, इन दोनों लाइनों को कोई अन्य तीसरी लाइन काटेगी तो हमें देखना होगा कि कितनी बार काट रही है, कितनी बार काट रही है, एक बार। तो हमारा पी एक्स का शून्यांक बराबर एक है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले कि दोनों के शून्यांक कितने हैं, भाई पी एक्स तो पी एक्स बराबर लिखेंगे, अगर वाई वाले पूछेगा तो वाई वाले लिखेंगे, वाई वाला कितना है हमारा एक, तो वाई बराबर भी क्या आ जाएगा, एक बार। जितनी बार रेखा किसी भी रेखा को, ये दो रेखा हमारे पास, कोई अन्य रेखा इनको जितनी बार भी काटेगी वह उसके शून्यांक होंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल बता देता हूं, इसका तीसरा सवाल है, कोई हमारे पास चतुर्थांश होगा, आपको पता ही है हमारी ये लाइन एक्स वाली होती है और ये वाई एक्स वाली, तो हमारे पास कोई ऐसी आकृति बने, ये तीसरी लाइन हमारी ऐसे गई यहां से और यहां तक, तो वो पूछ रहा है आपसे कि पी एक्स का शून्यांक क्या है। यहां पर देखो इस रेखा ने इसके ऊपर तो यहां काट दिया और एक और यहां काट दिया, ठीक है, तो इसके शून्यांक हो गए दो। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को कितनी बार काटा है, दो बार काटा है, ठीक है ना। अगर या इसको तीन बार काटती तो तीन शून्यांक लिखते, चार बार काटती तो चार शून्यांक लिखते, ठीक है। कभी कभी सवाल में क्या होता है, कोई लाइन एक्स वाली लाइन को छूकर चली जाती है, ठीक है, कैसे देखिए, ऐसे ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि पी एक्स शून्यांक बताइए। पी एक्स एक बार तो यहां काट दिया इसने, एक बार यहां काट दिया, तो कितने हो गए, दो। हमने तीन क्यों नहीं लिए, क्योंकि यह लाइन इसको छू कर गई है, काटना तब होता है जब पूरी लाइन काटती हो, है ना, इसने इसको पूरा नहीं काटा है तो इसका शून्यांक नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लाइन छू कर जाती है तो वह शून्यांक नहीं माना जाता है। तो कितने शून्यांक इसके, एक और एक दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पी एक्स वाली लाइन को कोई अन्य रेखा जितनी बार भी काटेगी पूरा काटेगी तो वह उसके उतने ही शून्यांक होंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, जो हमारी पड़ी लाइन होगी वह एक्स वाली होगी और जो खड़ी होगी वह वाई वाली होगी। अधिकांश सवाल में यही पूछा जाता है कि बताइए पी एक्स के शून्यांक कितने हैं, जितनी बार भी रेखा काटेगी एक्स वाली लाइन को उतने ही उसके शून्यांक होंगे। जैसे एक और दो तीन बार भी काट सकती है, चार बार भी काट सकती है, पांच बार भी काट सकती है, कितनी बार भी काट सकती है, वही इतने शून्यांक होंगे। अब जैसे अगर मैंने बताया आपको कोई लाइन छूकर चली जाती है, कोई रेखा पी एक्स वाली रेखा को छूकर चली जाती है तो वह शून्यांक नहीं माना जाता है, शून्यांक तब माना जाएगा जब वह उसको पूरा पूरा काट दे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।